आजकल के ड्रामों के हवाले से आप मुझे बताएं कि आप रोल कौन सा करती हैं प्ले अपने ड्रामों में बेसिकली uh, मैं लीड लीडिंग रोल्स करती हूँ हीरोइन okay. like और uh, इस तरह के जो रोल्स होते हैं जो मेन कास्ट होते हैं hmm. और ड्रामों के हवाले से देखिए मैं तो ये कहती हूँ आजकल के जितने ड्रामे आ रहे हैं यूजअली रियलिटी बेस्ड है और uh, वही दिखा रहे होते हैं जो माशरे में चल रही होती हैं चीज़ें सही. तो अच्छी डिपेंड करता है मतलब मीडिया का बड़ा रोल होता है हमारी सोसाइटी को पोर्ट्रे करने में सो दे आर डिस्प्लेइंग व्हाट इज इन द सोसाइटी मैं यही समझती हूँ अगर ड्रामे अप्रोच कर रहे हैं अगर हम ड्रामे जो है टेलीकास्ट करें तो वही पोर्ट्रे पोर्ट्रे करना चाहिए जो हमारी सोसाइटी है जो हमारा माशरा है हुँ. और कुछ हद तक हमारा मीडिया जो है इस हवाले से कामयाब भी है लेकिन कुछ हद तक ऐसा है कि उसमें शॉफ भी आ गई है कुछ ग्लैमर है बट ओवरऑल uh, अगर हम कहें तो हमारे की रिप्रेजेंटेशन है अगर हम मीडिया की बात करें तो सेम इज द केस विद मी लाइक माई ड्रामे मेरे जितने ड्रामाज हैं उनमें भी हम ये करते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है जो इशूज है, है, हैं फैमिली इशूज हैं फाइनेंशियल इशूज के मतलब फरियाल फैमिली इशूज को ही दिखाया जाता है हाईलाइट किया जाता है आजकल के जो घरों में हो रहा है या फिर <laughs> खास करके घरों में ना भी हो फिर भी हमारी सास या जो भी बहन है वो देखती है अच्छा ऐसा भी होता है मुझे भी ये करना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही इस बारे में क्या कहेंगे आप बिल्कुल ऐसे ही है बाजुकात हाँ ड्रामा जो है हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पेक्ट लाता है बाजुकात बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाइक अगर हम बहुत ज्यादा ग्लैमर डाल दें तो आजकल की लड़कियां ये सोचती हैं कि मेरी भी लाइफ कोई ऐसी हो मतलब एक जो हीरो का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि बहुत बड़ा हाई फाई बिल्डिंग वाला बंदा है और बहुत अमीर तरीन है और तो आजकल की लड़कियां ना उसी चीज को पिक कर रही है कि लाइक मैं अगर शादी करके जाऊँ तो मेरी भी लाइफ ऐसी हो और मुझे भी कोई ऐसा मतलब वेलो फैमिली वाला बंदा मिले और मैं जाऊँ तो मेरा प्रिंसेस वाला प्रोटोकॉल हो तो दैट्स नॉट ऑल द रियलिटीज सम वट हमारा जो मीडिया है वो इसी को पोर्ट्रे कर रहा है सही। तो यहाँ थोड़ा सा मैं मेरा जो है ना मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्स होगा कि नहीं ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए इस तरह का पोर्ट्री नहीं करना चाहिए लाइक like, आपने जैसे कहा ना स्ट्रगलिंग तो मैं ये चाहती हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं उनको यही दिखाया जाए कि हाउ अ मैन इज स्ट्रगलिंग फॉर द सक्सेस इट्स नॉट इजी इट्स नॉट ईजी इट्स नॉट ईजी और मतलब आजकल के दौर में मेनटेन करना किसी मकाम पे पहुंचना इट्स अ टफ टास्क और लाइक okay. like, अगर फीमेल सिस्टर है मदर है या वाइफ है She should be very cooperative in that way. So सम वट uh, मैं ये कहती हूँ कि वो वाली जो कहानी ना प्रिंसेस वाली सिंड्रेला वाली या uh, जो मतलब तो uh, तो <laughs> exactly हाँ। किसी को मिल भी जाते हैं पार्टनर्स लेकिन आजकल की जो लाइफ है ना मैं कहती हूँ कि लड़कियों को खुद स्ट्रगल करना चाहिए खुद अपने बिल्स पे करने चाहिए अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए ताकि लड़का भी बोले नहीं ये और इसको मेरी इतनी जरूरत नहीं है फाइनेंशियली जरूरत तो मैं कहती हूँ को हर कदम पे मर्द की रहती है मतलब फाइनेंशियली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हुँ. है बट ये है कि अब इसमें ये चीज ना हो कि डोमिनेंसी हो वो ओवरकम yes. करे उसको रूल्स को मतलब उसको रिस्पेक्ट ना दे तो ये गलत कॉन्सेप्ट है आ, अपनी अपना मकाम बनाए अपनी पहचान बनाए लेकिन बाई दिस्टर मतलब है तो ब्रदर की सपोर्ट हो वाइफ uh, right. है तो हस्बैंड तो uh, में भी हमारे बहुत सारे friends हैं, तो एक तरह से जो परसेप्शन दिखाया जा रहा है ना जेरे पुलिंग hmm. का ये ये नहीं होना चाहिए परसेप्शन so, जो है वो पॉजिटिव देना चाहिए लाइक सपोर्टिव परसेप्शन देना चाहिए इफ यू सपोर्ट अदर्स यू विल कम अपने और बहुत अच्छी बात की